थोड़ा सा मैं फटाफट रूट का थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ, फिर स्टेम में मूव करेंगे और लीफ में मूव करेंगे ना फटाफट। तो मैंने बोला बच्चे लोग कुछ नहीं करना है, अगर आपको रूट के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले सिंपल सा बोलना कि जो रूट है वो तीन तरह का टिश्यू सिस्टम से बना है। रूट इज कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। सबसे बाहरी जो होगा बच्चा, जो प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, उसका नाम होगा इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सबसे जो बाहरी है बच्चा, उसका नाम है इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें एक सिंगल लेयर के पाए जाएंगे इपिडर्मिस। सिंगल लेयर के क्या पाए जाएंगे? इपिडर्मिस। ये आपने सिंगल लेयर का इपिडर्मिस बना दिया, जिसका काम क्या होगा बच्चा? प्रोटेक्शन करने का। इस इपिडर्मिस के कुछ सेल में बच्चा लोग एक ट्यूबुलर ऑड ग्रोथ होगा, जिसे आप कहते हो बेटा रूट हेयर। तो रूट हेयर कोई एक सेल नहीं है बच्चा, ये इपिडर्मिस का इलोंगेशन है। नेचर वाइज कैसा होगा बच्चा? तो रूट हेयर नेचर वाइज होगा यूनिसेलुलर होंगे। काम बच्चा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये सभी को मालूम है। तो सबसे पहले आपने बना दिया बेटा रूट हेयर, रूट हेयर नेचर कैसा बच्चा? यूनिसेलुलर है। काम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। ये बच्चा येलो वाला क्या बनाया आपने? इपिडर्मिस। और ध्यान से सुनना बच्चा, अगर स्टेम आएगा, लीफ आएगा, तो इस इपिडर्मिस के ऊपर में एक लेयर पाया जाएगा, किसका बेटा? क्यूटिकल का। स्टेम में और लीफ में बच्चा ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए एक लेयर पाया जाएगा क्यूटिकल का, लेकिन रूट में एनसीईआरटी लिखता बेटा इन रूट क्यूटिकल इज एब्सेंट। ये एनसीईआरटी का वर्ड है, अगर आपको देखना है बच्चे लोग तो एनसीईआरटी में आप रिलेट कर लो, हर चीज को जितना ज्यादा रिलेट करोगे चीजें उतनी आसान हो जाएगी। पेज नंबर 89 पे आपको दिखेगा बच्चा कि रूट के इपिडर्मिस पे कोई भी बेटा क्यूटिकल नहीं होगा, ये स्टेम में पाया जाएगा और लीफ में पाया जाएंगे, ठीक है। स्टेम अगर होता बच्चा, तो स्टेम में जो हेयर होते उसे कहते बेटा ट्राइकोम्स। स्टेम में जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता बच्चा, वो कहलाता ट्राइकोम्स, जो मल्टी सेलुलर होता, ठीक है। ये आपका इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एक लेयर आपने बना दिया बेटा इपिडर्मिस का, ये ग्रीन वाला, और इपिडर्मिस से अपेंडिसेस निकले, इपिडर्मल अपेंडिसेस, जिसे आपने कहा रूट हेयर। कोई क्यूटिकल नहीं होगा, कोई स्टोमेटा नहीं होगा। जाहिर सी बात, स्टोमेटा क्यों करेगा बच्चा, इसे फोटोसिंथेसिस तो करना नहीं है। सेकेंड जो होगा बच्चों लोग, ये होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। पहले का नाम होगा बेटा कॉर्टेक्स, फिर होगा बेटा पेरिसाइकल, और फिर होगा पिथ। तो मैंने फटाफट बेटा ये बना दिया कॉर्टेक्स। लूजली अरेंज सेल है बच्चा, लूजली अरेंज सेल है और मल्टी लेयर्ड है, कई सारे लेयर होगा बच्चा। मल्टी लेयर्ड मैंने कॉर्टेक्स बना दिया, और कॉर्टेक्स का जो सबसे लास्ट लेयर होता है बच्चा, याद है सभी बच्चों को, जो कॉर्टेक्स का सबसे लास्ट लेयर होता है, जो थोड़ा स्वेल होता है बेटा, बैरल शेप्ड होता है, उसे कहते हैं इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस इज नथिंग, कॉर्टेक्स का सबसे लास्ट लेयर जो कि बेटा स्वेल्ड पार्ट होता है, बैरल शेप्ड का होगा, उसे हम लोग कहेंगे बच्चे लोग इंडोडर्मिस। दिस इज द इंडोडर्मिस। और एनसीईआरटी में आप देख सकते हो बच्चा, इंडोडर्मिस से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडोडर्मिस के दीवार पे बेटा, वॉल पे, रेडियल एंड टेंजेंशियल दे हैव द सुबेरिन। उनके दीवार पे बेटा, वॉल पे क्या पाया जाएगा? सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ बैंड। जो मैंने कल भी बताया था बच्चा, सभी बच्चों को याद ही होगा, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप या बैंड बताया था बच्चा, स्ट्रिप या बैंड बताया था आप लोगों को, जिसको बहुत हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप बना दिया ऐसे, जो वाटर इम्परमेबल होगा, पानी को जाने से रोकेगा, ठीक है सर। अब इंडोडर्मिस के अंदर में बच्चा लोग एक और लेयर पाया जाएगा। इंडोडर्मिस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, इसे हम लोग कहेंगे स्टील। तो एक क्वेश्चन आएगा नीट में, व्हाट इज अ स्टील? तो आप बोलोगे तो इनसाइड इंडोडर्मिस जो भी स्ट्रक्चर होगा उसे स्टील कहेंगे। तो स्टील का पहला पार्ट हो गया बच्चों लोग पेरिसाइकल, जो कि यूनिलेयर्ड होगा, एक लेयर का होगा। बोले सर काम क्या होगा?
बच्चा लोग याद करो, एनसीईआरटी को फोकस करो, पेज नंबर एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चा 91 पे। पेरिसाइकल का काम है बेटा लैटरल रूट बनाना, पेरिसाइकल का काम है बच्चा लैटरल रूट बनाना। और डाइकॉट में बेटा लैटरल रूट के अलावा, डाइकॉट में बच्चा लोग लैटरल रूट के अलावा कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगा जिससे वो सेकेंडरी ग्रोथ कर सके। बोले ठीक है सर। अब अंदर में बच्चों लोग आप यहां पर बना दो जाइलम, तो ये जाइलम जो बनेगा बेटा पहले होगा प्रोटो यानी छोटे वाले होंगे बच्चा, और सेंटर पे बेटा बड़ा वाला होगा मेटाजाइलम। इधर हो गया बच्चा लोग प्रोटो और इधर हो गया बच्चा लोग मेटा, ये हो गया बेटा प्रोटोजाइलम छोटे वाले ल्यूमेन और बड़े वाले मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड दिस वन इज द मेटाजाइलम। बोले सर क्लियर। वो अगर प्रोटोजाइलम बेटा पेरीफेरी पे, देखो बेटा पेरिसाइकल की तरफ है प्रोटोजाइलम, पेरीफेरी पे, ऐसे कंडीशन को कहते हैं बेटा एक्सार्क। तो दुनिया का कोई रूट होगा बच्चा एक्सार्क ही करके आना, प्रोटो बेटा बाहर और मेटा बेटा अंदर। दुनिया का कोई रूट होगा बच्चा वो रेडियल अरेंजमेंट शो करेगा, यानी जाइलम ये व्हाइट वाला बेटा फ्लोएम है, व्हाइट वाला क्या है बच्चा फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम बच्चा लोग अल्टरनेट है, जाइलम एंड फ्लोएम बच्चा अल्टरनेट है, अलग अलग रेडियस पे है। हो गया बच्चा। अब नेक्स्ट, ये जो तुम्हें बच्चा लोग दिख रहा है येलो वाला पार्ट, इसका नाम होगा बेटा पिथ। ये क्या नाम है बच्चा? पिथ है। और एक और चीज को ध्यान से सीखो, जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये रेड वाला टिश्यू में बना रहा हूं, रेड वाला पार्ट बना रहा हूं बच्चा, इसका नाम है कंजक्टिव टिश्यू। अब देखा जाइलम और फ्लोएम के बीच में रेड वाले पोर्शन को देखो बच्चा लोग, इसका नाम है कंजक्टिव टिश्यू, दिस इज अ कंजक्टिव टिश्यू। तो कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, कंजक्टिव टिश्यू क्या है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो भी टिश्यू है उसे क्या कहेंगे? कंजक्टिव टिश्यू। तो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो मैंने बच्चा लोग डाइकॉट रूट का बनाया। स्टेम में अगर तुम मोनोकॉट रूट से अगर उसे कंपैरिजन करोगे, अगर बच्चे लोग उसे आप मोनोकॉट रूट से कंपैरिजन करोगे तो इसमें 5 डिफरेंसेस आपको एग्जाम में याद करके जाने हैं, तभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चा। मोनोकॉट और डाइकॉट में 5 डिफरेंस। मोनोकॉट के अंदर में जो बेटा कंजक्टिव टिश्यू है, जिसमें व्हाइट कलर से भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जो कंजक्टिव टिश्यू होगा बच्चा मोनोकॉट में वो होगा बेटा स्क्लेरेन काइमा से बना हुआ, स्क्लेरेन काइमेटस। लेकिन बच्चा डाइकॉट में होगा ये पैरेन्काइमा से बना, पैरेन्काइमेटस। तो मोनोकॉट में होगा बेटा एस स्क्लेरेन्काइमेटस और डाइकॉट में है बच्चा पैरेन्काइमेटस, पहला डिफरेंस। सेकंड, मोनोकॉट में बच्चा लोग जो जाइलम आपको दिख रहा है बच्चा, जाइलम जो दिख रहा है, जाइलम का नंबर बच्चा लोग मोर देन सिक्स होगा, इसलिए इसे कहेंगे बेटा मोर देन सिक्स, इसे कहेंगे बच्चा लोग पॉली आर्क। और डाइकॉट में बच्चा, डाइकॉट में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा 2 to 4 है बच्चा, इसलिए कहता है एनसीईआरटी डायार्क टू टेट्रार्क। लेकिन रियल में बेटा आप याद करके जाना 2 to 6 डायार्क टू हेक्सार्क, 6 तक होगा बेटा डाइकॉट में, 6 से ज्यादा होगा बच्चे का मोनोकॉट। तीसरा डिफरेंस सभी बच्चों को क्लियर है। चौथा बच्चा, नेक्स्ट डिफरेंस को देखो, मोनोकॉट में क्या होगा, मोनोकॉट का एक सिंपल सा एक फिगर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मोनोकॉट का एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा। मोनोकॉट में देखो क्या होगा, ये आपने क्या बनाया बेटा, जाइलम, 1 जाइलम, 2 जाइलम, 3 जाइलम, 4 बना दिया बेटा, 5 बना दिया, 6 बना दिया, 6 से तो ज्यादा ही होगा, मैंने 8 बना दिया बच्चे। और बीच में देखो बच्चा, बीच में देखो, दे हैव द वेल डेवलप्ड पिथ इज प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड पिथ इज प्रेजेंट। तो पिथ यहां पर वेल डेवलप पाया जाएगा, ये पहचान है बच्चा मोनोकॉट रूट की। डाइकॉट में एनसीईआरटी लिखता है बेटा डाइकॉट में, देखो डाइकॉट में, तो डाइकॉट में या तो बेटा पिथ जो होगा या तो लेस डेवलप होगा बच्चा, देखो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, या तो बेटा लेस डेवलप होगा या तो बेटा एबसेंट होगा। तो लेस डेवलप को एनसीईआरटी लिखेगा बेटा इनकॉन्स्पिकुअस इन नेचर, इनकॉन्स्पिकुअस इन नेचर। तो अगर बच्चे लोग ये तुम्हें अगर याद है तो तुम्हारा डाइकॉट और मोनोकॉट से लगभग क्वेश्चंस बन जाएंगे। और एक और चीज आप याद कर सकते हो बच्चा, कि आपका अगर डाइकॉट है तो आप याद करके जाना बेटा रियो, REO, और मोनोकॉट है तो बेटा याद करके जाना रेक, REC।
मैंने कोड वर्ड पहले ही बता रखा है, रियो का मतलब होगा बेटा दुनिया का सारा रूट रेडियल ही होगा, दुनिया का सारा रूट बेटा एग्जार्की होगा, दुनिया का सारा रूट बेटा ओपन होगा। ठीक है, ओपन कहने का मतलब जब ये बेटा ओल्ड स्टेज में जाएंगे, मैच्योर स्टेज में जाएंगे बच्चा, तो कैम्बियम बनेगा, और कैम्बियम बनने से बच्चा ये सेकेंडरी ग्रोथ के नेचर को शो करेगा। तो जायकोट का फीचर है बेटा सेकेंडरी ग्रोथ के नेचर को शो करना, और जो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा बच्चा उनके अंदर कैम्बियम पाए जाएंगे, और जिनके अंदर बेटा कैम्बियम होगा वो नेचर वाइज बेटा ओपन होंगे। तो रियो याद कर लो। और मोनोकॉट में बेटा रूट है ना, मोनोकॉट रूट, तो रूट है तो बेटा रेडियल ही होगा, रूट है बच्चा तो एक्सार्की होगा, लेकिन मोनोकॉट के अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा बच्चा तो यानी कि उनके अंदर कैम्बियम नाम के टिश्यू नहीं होंगे, और कैम्बियम नहीं होगा बच्चा यानी वो नेचर वाइज क्लोज होगा, उसे याद कर लो बेटा रिक। तो आई थिंक किसी भी बच्चे को कोई भी इश्यू नहीं है मोनोकॉट रूट एंड द डाइकॉट रूट में। आई थिंक जो 6 डिफरेंस है सभी बच्चे को अच्छे से तरीके से याद हो चुके, और पेज नंबर 91 को अगर तुमने फॉलो किया होगा तो 100% आपको चीजों को याद किया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिलेट करने वाला था क्योंकि बच्चा स्टेम का फिगर भी इससे मिलता जुलता बनेगा ना, इसलिए मैंने बताया रूट मालूम आया था क्योंकि स्टेम का फिगर बेटा इससे मिलता जुलता ही बनेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए। चलो ठीक है, अब हम लोग बेटा फटाफट बच्चा लोग हम लोग मूव करके जाए स्टेम के ऊपर। स्टेम का जब आप फिगर देखने की कोशिश करोगे, स्टेम के फिगर को देखने की कोशिश करोगे बच्चा, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाओ। स्टेम के फिगर को देखेंगे तो मैं स्टेम का फिगर बना रहा हूं बच्चा, तो सभी को बहुत डिफिकल्ट लगता है। पहले ये बताओ बच्चा किसे किसे स्टेम डिफिकल्ट लगता है, पहले मैं जान लूं। पहले ये मुझे बताओ स्टेम का मोनोकॉट स्टेम डाइकॉट स्टेम किसे डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद मैं पूछूंगा कि टफ है या इजी है, मैं थोड़ा बाद में पूछूंगा। और मेरे पास पेज नंबर है बच्चा 92, तो लगभग सभी बच्चे ने बोला कि ठीक है, तो हम लोग कोई ये नहीं हुए थे डाइकॉट स्टेम पे मैं आया ही था ना, तो फटाफट मैंने क्या बोला था कि डाइकॉट अगर स्टेम पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, बोला कि तीन तरह के टिश्यू सिस्टम होंगे। द फर्स्ट टिश्यू सिस्टम जिसे हम लोग कहेंगे इट इज कॉल्ड द एक मिनट, यही दिक्कत है वापस से फिर कंसंट्रेशन में। हाँ, सबसे पहला जो टिश्यू सिस्टम होगा उसे हम लोग कहेंगे इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, दिस इज कॉल्ड द इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक, इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम सेम होगा, वो बना होगा बच्चे लो, ये इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम बना है किससे, इपीडर्मिस से। सबसे बाहर का लेयर बनेगा इट इज इपीडर्मिस, जैसे रूट में बना था 100% सेम होगा, रूट में जैसे बना था 100% सेम चीज होगी इपीडर्मिस। और यहां इपीडर्मिस से अपेंडिसेस निकलेंगे, दिस अपेंडिसेस इट इज कॉल्ड द स्टेम हेयर, इट इज नोन एज द ट्राइकोम्स, इट इज नोन एज द ट्राइकोम्स। तो मैं सिंपल सेम बना देता हूं, इट इज अ ट्राइकोम्स, इट इज अ ट्राइकोम्स। ये मैं डाइकॉट का फिगर बना रहा हूं, पहला डिफरेंस क्लियर है। अगर आप पहला डिफरेंस देखेंगे एनसीईआरटी के पेज नंबर 92 को, इज द 92, तो जो मोनोकॉट होगा मोनोकॉट के अंदर में ट्राइकोम्स एब्सेंट होंगे, तो ट्राइकोम्स ओनली प्रेजेंट इन द डाइकॉट स्टेम। तो ट्राइकोम्स जो है, जो स्टेम हेयर मैंने कहा, इट इज ओनली द फीचर ऑफ द डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट में ये क्या होगा एब्सेंट, पहला फीचर क्लियर है। ठीक है सर, सेकेंड वन इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया, अब आएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। याद करो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कितने लेयर में डिवाइडेड थे, तो बोले सर 3 लेयर, एक का नाम था सर कॉटेक्स, एक का नाम था सर पेरिसाइकल, और एक का नाम था सर पिथ, सीपीपी, कॉटेक्स पिथ एंड द पेरिसाइकल, यही था ना रूट में, बस उसी से रिलेट करो। यहां पर जो कॉटेक्स है, यहां पर जो बच्चा कॉटेक्स है ना, ये फर्दर कॉटेक्स 3 जोन में डिवाइड हो जाएगा, कॉटेक्स जो है बच्चा फर्दर 3 पार्ट्स में 3 लेयर में टूट जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि आपने रूट में देखा था वो सही है, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एकदम करेक्ट बना दिया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को आप 3 पार्ट्स में तोड़ोगे जैसे रूट में तोड़ा था,
बोले ठीक है सर, कौन कौन? पहले का नाम बच्चा कॉटेक्स, दूसरे का नाम बच्चा पेरिसाइकल और तीसरे का नाम बच्चा पिथ। लेकिन यहां कॉटेक्स फर्दर तीन पार्ट्स में ब्रेक करेगा। एक का नाम कहलाएगा बच्चा, एक का नाम कहलाएगा हाइपोडर्मिस। एक का नाम क्या कहलाएगा? हाइपोडर्मिस। तो मैंने ये रेड वाला, ये देखो मैंने रेड वाला इपिडर्मिस के नीचे एक लेयर बना दिया। दिस लेयर इज कॉल्ड द हाइपोडर्मिस, दिस लेयर इज कॉल्ड द हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो बोलेंगे सर किससे बना है? दिस लेयर इज नोन एज द हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब होता है बिलो, इपिडर्मिस के पीछे बना, इसलिए कहा बेटा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो नेचर वाइज होगा वो बना होगा एक टिश्यू से जिसका नाम होगा बच्चा कोलेनकाइमा। इसका नाम क्या होगा? कोलेनकाइमा। और ध्यान से सुनो, मोनोकॉट में भी हाइपोडर्मिस होगा, वो बना होगा स्क्लेरेनकाइमा से। तो आई थिंक बच्चों लोग दो डिफरेंस क्लियर है सभी को। मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस बनेगा लेकिन वो होगा बच्चा स्क्लेरेनकाइमा से, और ये हम लोग पढ़ रहे डाइकॉट, डाइकॉट में बना होगा कोलेनकाइमा से। तो मुझे एकदम क्लियर है, कॉर्टेक्स को मैंने तीन लेयर में डिवाइड किया। ऑटर जो पार्ट है जिसे मैंने कहा हाइपोडर्मिस, जो कोलेनकाइमा से बना होगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करेगा। यंग स्टेम को देखो, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो फ्लेक्सिबल है। क्यों है? क्योंकि उसके स्टेम में कोलेनकाइमा से बना है क्या? हाइपोडर्मिस। अब सेकेंड जो होगा वो होगा जनरल कॉर्टेक्स। सेकेंड जो लेयर में व्हाइट कलर का बना रहा हूं, ये जनरल कॉर्टेक्स है। और एक चीज आप थोड़ा नोटिस करना, जब भी अगर मुझे कोई स्पेशल टिश्यू बनाना होगा ना, जैसे मैंने बोला कि कोलेनकाइमा का बनाना होगा, स्क्लेरेनकाइमा का बनाना होगा, तो मैं बोल दूंगा कि ये कोलेनकाइमा से बना है, मैं बोल दूंगा ये स्क्लेरेनकाइमा से बना है। अगर मैं कोई नाम नहीं लूंगा, जैसे मैंने इपिडर्मिस में नाम नहीं लिया कि किससे बना है, जनरल कॉर्टेक्स में किससे बना है मैंने नाम नहीं लिया, तो अंडरस्टैंडिंग होगा कि ये पेरेनकाइमा से बना होगा। मोस्ट एबंडेंट टिश्यू, जो मेन टिश्यू है वो पेरेनकाइमा है। तो मैंने इपिडर्मिस में आपको नहीं बोला कि स्क्लेरेनकाइमा है, कौन सा है, तो आपको अननोन होना चाहिए वो पेरेनकाइमा। हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का था इसलिए मैंने बोल दिया। जनरल कॉर्टेक्स मैंने नहीं बोला, इसका मतलब है कि वो अंडरस्टूड है बच्चा कि वो बना होगा पेरेनकाइमा से। तो ये बन गए आपका जनरल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को तीन लेयर में मैंने दौड़ा, ऑटर हाइपोडर्मिस और व्हाइट वाला बेटा जनरल कॉर्टेक्स, जो बना है बच्चा लोग पेरेनकाइमा से। जो किससे बना है? पेरेनकाइमा से, मैंने नहीं बोला। अब कॉर्टेक्स का जो सबसे लास्ट लेयर होगा इसे कहेंगे इंडोडर्मिस। ये रूट में भी था, तो लास्ट जो लेयर होगा जो मैंने ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं, ये इंडोडर्मिस है। लेकिन इंडोडर्मिस एनसीईआरटी बोलता है वो वेवी नेचर का होगा, वो कंप्लीटली देखो मैं सर्कुलर नहीं बना रहा, वेवी नेचर का बना रहा हूं। ये इंडोडर्मिस एनसीईआरटी कहता है कि ये कंप्लीट सर्कुलर नहीं होगा, वेवी नेचर का बना दू। बोलेंगे सर इंडोडर्मिस किससे बना है? मैं नाम नहीं लूंगा, यानी वो नोन है बच्चा कि वो भी बना होगा पेरेनकाइमा से। लेकिन ध्यान से सुनो, इसमें कंफ्यूज मत करना, जो इंडोडर्मिस है बच्चा, जो इंडोडर्मिस है उनके अंदर में कोई सुबेरीन, कोई कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होगा। वो रूट के इंडोडर्मिस में था, कैस्पेरियन स्ट्रिप, सुबेरीन, ये सब रूट के इंडोडर्मिस में थे। हम स्टेम पढ़ रहे, स्टेम के इंडोडर्मिस में इसके जो बेटा सेल में स्टार्च रिच होंगे, स्टार्च के ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे, इसलिए एनसीईआरटी कहेगा कि जो इंडोडर्मिस है उसे कहेंगे स्टार्ची सीथ, स्टार्च का लेयर होगा, बिकॉज दे आर रिच इन स्टार्च ग्रेन। तो मेरे उम्मीद से मैं यहां तक की चीजों को रिपीट कर रहा हूं कि आप कोई गड़बड़ ना करो, एकदम रूट के तरह इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना दो। बना दिया मैंने येलो वाला बेटा इपिडर्मिस बना दिया, और उससे मैंने हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकाल दिए जिसका नाम है बच्चा ट्राइकोम्स। हो गया इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट। सेकेंड, मोनोकॉट के स्टेम में भी इपिडर्मिस होगा लेकिन उसके ऊपर में कोई हेयर, कोई बेटा ट्राइकोम्स नहीं होंगे। बोले ठीक है सर। सेकेंड मैं बना रहा हूं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम रूट के भांति मैं तीन लेयर बनाऊंगा, एक बनाऊंगा बेटा कॉटेक्स, एक बनाऊंगा मैं पेरिसाइकल और एक बनाऊंगा बेटा पिथ। सी पी पी, कॉटेक्स, पेरिसाइकल एंड पिथ,
लेकिन अब ध्यान दो, स्टेम कॉम्प्लेक्स है, स्टेम में कॉर्टेक्स को फर्स्ट तीन लेयर में तोड़ेंगे। जो वाइट रेड वाला दिख रहा है बच्चा, जो रेड वाला आपको दिख रहा है इसे मैं कहूंगा हाइपोडर्मिस, फिर व्हाइट वाला है बच्चा ये कहलाएगा जनरल कॉर्टेक्स, और जो ग्रीन वाला है बच्चा इसे मैं कहूंगा इंडोडर्मिस। तो रूट के इंडोडर्मिस में पाए जाएंगे सुबेरिन, रूट के इंडोडर्मिस में पाया जाएगा बेटा कैस्पिनेस टिप। ये स्टेम है, स्टेम में नहीं पाया जाएगा, इसे वाटर इस तरह से अब्सॉर्बमेंट नहीं करना है। यहां पर स्टार्च ग्रेन पाए जाएंगे, इसलिए कहेगा बच्चा स्टार्ची सीथ। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है आई थिंक बच्चे लोग? एनसीईआरटी में आप देख सकते हो पेज नंबर 92, आई थिंक आप सभी के पास पेज नंबर 92 है, ठीक है? एनसीईआरटी में देखो बच्चा, तो अभी तक कितने डिफरेंस तुमने पढ़े मोनोकॉट और डाइकॉट के? मोनोकॉट में ट्राइकोम्स एब्सेंट, डाइकॉट में प्रेजेंट। मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस बना होगा स्क्लेरेनकाइमा का, डाइकॉट में बना है बेटा कॉलेनकाइमा का, बस दो डिफरेंस पड़ा। अब तुम देखो, तुमने बेटा कॉर्टेक्स कंप्लीट कर लिया, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस। अब फर्दर, अब तुम्हें बनाने की आएगी बारी पेरिसाइकल। अब तुम्हें क्या बनाना है बच्चा लोग? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल को देखो बच्चा, ध्यान से सीखना। पेरिसाइकल एनसीईआरटी बोलता है बच्चा, कहीं पर पेरिसाइकल ना मल्टी लेयर्ड होंगे, थिक लेयर मल्टी लेयर्ड होगा बच्चा, मल्टी लेयर्ड होंगे कहीं कहीं पर पेरिसाइकल बच्चे लोगों का, मल्टी लेयर्ड बेटा, थिक मल्टी लेयर्ड होगा, और वो बना होगा बेटा स्क्लेरेनकाइमा से, हार्ड टिश्यू से। तो कहीं कहीं पर बच्चे लोग मैंने देखो मल्टी लेयर्ड बना रहा हूं बच्चा, मल्टी लेयर्ड मैंने बना दिया पेरिसाइकल, मल्टी लेयर्ड मैंने पेरिसाइकल बना दिया बच्चे लोग, किससे बनाया? स्क्लेरेनकाइमा से। तो ये हाफ मून की तरह दिख रहा होगा बच्चे लोग, देखो यहां हाफ मून की तरह दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है बच्चा, इसलिए मैंने कहा सेमी लूनार। सेमी का मतलब होता है बेटा हाफ, लूनार मतलब बेटा मून, हाफ मून शेप का दिख रहा है, तो इसे मैंने कहा बेटा सेमी लूनार। तो पेरिसाइकल दो तरह के, कुछ पेरिसाइकल अब देखो, कुछ पेरिसाइकल बेटा यूनिलेयर्ड होंगे, पतले होंगे। व्हाइट वाला देखो बच्चा, ये पेरिसाइकल का पतला लेयर, ये बच्चे लोग पेरिसाइकल का पतला लेयर है, पेरिसाइकल का पतला लेयर है, एक लेयर्ड है बच्चा, ये बना है पैरेन्काइमा से। किससे बना है बच्चा? पैरेन्काइमा से। और जो रेड वाला है बेटा वो मल्टी लेयर्ड है, वो बना है बच्चे लोग स्क्लेरेन्काइमा से। तो मेरे में से पेरिसाइकल तक की सबकी कहानी क्लियर है? सभी बच्चों को पेरिसाइकल याद हो गया? दो तरह के, कहीं पर थिक होगा और कहीं पर बच्चा थिन होंगे। थिक जो होगा वो मल्टी लेयर्ड है, वो बना होगा स्क्लेरेन्काइमा से। क्लियर यहां तक? अब देखो ध्यान से, अब कहानी क्लियर है बच्चा। बीच का जो पोजीशन होगा उसे पिथ कहेंगे, बीच में क्या है बच्चा? पिथ। अब देखो, अब यहां पर पाया जाएगा बच्चा लो वैस्कुलर बंडल। क्या पाए जाएंगे? अब वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम। तो मैं देखो बच्चा, जो थिक वाला बच्चा स्क्लेरेनकाइमा था, उसी के ऊपर पाया जाएगा वैस्कुलर बंडल, उसी के ऊपर पाए जाएंगे बेटा वैस्कुलर बंडल, उसी के ऊपर पाए जाएंगे बच्चा वैस्कुलर बंडल। इसलिए वैस्कुलर बंडल कहां पाया गया? तो वो पाए गए थिक लेयर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। इसलिए थिक लेयर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा को हम लोग कहेंगे बच्चा बंडल कैप। क्या नाम देंगे बच्चा लोग? बंडल कैप। अब ध्यान से सुनो बच्चा, जाइलम एंड फ्लोएम पे कंसंट्रेट करो। पिथ के तरफ बच्चा लोग दिखेगा जाइलम, पिथ के तरफ क्या दिखेगा बच्चा? जाइलम। पिथ के तरफ क्या दिखा बच्चा लोग? जाइलम। हमेशा जाइलम पिथ के तरफ होगा, बोले ठीक है सर। आउटर साइड बेटा बाहर की तरफ होगा बेटा फ्लोएम, बाहर की तरफ क्या होगा बच्चा? फ्लोएम। अब बच्चा मुझे कोई बता सकता है क्या जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ है या अल्टरनेट है? बोले सर दोनों तो एक साथ है, बाहर में जाइलम है अंदर में फ्लोएम है, दोनों बच्चा लोग एक साथ है ना, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग बच्चा लोग, इसे हम लोग कहेंगे कॉन्जॉइंट। याद करो स्टेम का फीचर क्या था, यहां देखो अब जाइलम और फ्लोएम एक साथ है, इसे मैंने कहा बेटा कॉन्जॉइंट। सेकेंड बच्चा सीसीईसी याद आ रहा है बच्चा लोग? सीसीईसी याद आ रहा है आप लोग को? बोले हाँ सर, डाइकॉट का फीचर। तो पहला फीचर सीख गया बच्चा कॉन्जॉइंट, जाइलम एंड फ्लोएम बच्चा एक साथ है तो इसे कहेंगे बच्चा कॉन्जॉइंट। सेकेंड,
कोलैटरल, जाइलम को देखो बच्चा, एक तरफ फ्लोएम से कवर्ड है, जाइलम नाम का टिश्यू एक तरफ से फ्लोएम से कवर्ड है, क्या नाम दिया बच्चा, कोलैटरल। तीसरा बच्चा, दुनिया का जो भी स्टेम होगा बच्चा वो इंडार्क होगा, दुनिया का जो भी स्टेम होगा बच्चा इंडार्क। इंडार्क क्या है, थोड़ी देर में मैं क्लियर कर रहा हूं, आई थिंक सभी को याद भी है। और चौथा है बच्चा सीसीईओ होगा बच्चा, सीसीईओ क्योंकि डाइकॉट बना रहे, ओ का मतलब हो गया बच्चा ओपन। ओपन कहने का मतलब है कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नाम का टिश्यू पाया जाएगा, कैम्बियम नाम का टिश्यू पाया जाएगा, इसलिए क्या हो गया बच्चा ओपन। तो मेरे में से सभी बच्चे को यहां तक के स्ट्रक्चर क्लियर है, यहां तक के बच्चे, सभी बच्चे को यहां तक स्ट्रक्चर क्लियर है, आउटर से इनर तक क्लियर है। सेकेंड चीज, अब यहां पर देखो वैस्कुलर बंडल दिख गया बच्चा, अब यहां पर देखो जो बच्चा ग्रीन वाला मैं बता रहा हूं, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में ये ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है बच्चा, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में ये ग्रीन वाला टिश्यू आपको दिख रहा है, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो ग्रीन वाला टिश्यू दिख रहा है बच्चा लोग, इसी को एनसीईआरटी कहेगा प्राइमरी मेडुलरी रे। इसे एनसीईआरटी क्या कहता है बच्चा, प्राइमरी मेडुलरी रे। और बीच में बच्चा येलो वाला पूरा पार्ट बच्चा पिथ कहलाएगा, येलो वाला पूरा पार्ट क्या कहलाएगा बच्चा, पिथ। इसलिए आपको इस स्ट्रक्चर से कंफ्यूजन ना हो, इस स्ट्रक्चर से कंफ्यूजन ना हो तो मैं अगले पेज पे एक और एकदम सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस बार कंसंट्रेट रहना, इस बार बच्चा लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाओ, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, अब तुम्हें लगभग चीजें आ चुकी है तो थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाओ और सेकेंड फिगर को ध्यान से सीखना, इस बार कोई गड़बड़ नहीं करना। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले स्टेम बनाना है बच्चा तो आपको तीन टिश्यू सिस्टम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले बच्चा मैंने ये येलो वाला बना दिया जिसका नाम है बच्चा इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है बच्चा, ये बच्चा हो गया इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसमें हो गया बेटा ये पार्ट हो गया इपीडर्मिस, इपीडर्मिस से बेटा निकलेगा स्टेम हेयर जिसे हम लोग कहेंगे बच्चा लोग ट्राइकोम्स, क्या कहेंगे बच्चा ट्राइकोम्स। एनसीईआरटी बेटा चार फिगर दे रखे, पहले फिगर को देखो, फर्स्ट फिगर को देखो बच्चा 92 पेज नंबर, मेरे पास पेज नंबर 92 है और मैं फर्स्ट फिगर की बात कर रहा हूं, पहला फिगर बच्चा, फर्स्ट फिगर को आप देखो, बोले ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा टिश्यू सिस्टम आएगा बच्चा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, कौन कौन, सीपीपी, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड द पिथ। लेकिन ये रूट से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए कॉर्टेक्स को फर्दर तीन लेयर में फिर से तोड़ देंगे। आउटर पार्ट बेटा व्हाइट वाला देखो, आउटर पार्ट होगा ये होगा बच्चा हाइपोडर्मिस, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स का हो गया बेटा हाइपोडर्मिस, जो कोलेनकाइमा का बना होगा जिससे ये लचीला होगा, यंग स्टेम बेटा लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हवा चलेगा बेटा फ्लेक्सिबल। अब हम लोग बना रहे बेटा रेड वाला जिसे कहेंगे हम लोग बच्चा जनरल कॉर्टेक्स, तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं बच्चा जनरल कॉर्टेक्स किस चीज से बना है, बोला था ना, अगर मैं स्पेशल टिश्यू का नाम ना लू, कोलेनकाइमा ना बोलू, स्क्लेरेनकाइमा ना बोलू, अंडर स्टूड है बच्चा वो पैरेनकाइमा का होगा, तो एनसीईआरटी बोलेगा ये पैरेनकाइमेटस लेयर है जिसे मैंने कहा बच्चा जनरल कॉर्टेक्स। अब अंदर में बच्चा लास्ट लेयर कौन बनेगा, इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस बच्चा पूरा सर्कुलर ना हो करके वेवी नेचर का होगा, सर्कुलर ना हो करके बच्चा वेवी नेचर का होगा, और इनके अंदर बच्चा कोई कैस्पेरिन स्ट्रिप, कोई भी सुबेरिन नहीं होंगे, वो रूट इपिडर्मिस का, रूट इंडोडर्मिस का फीचर होता है, हम पढ़े बेटा स्टेम का इंडोडर्मिस। इनके अंदर बेटा दे आर रिच इन द स्टार्च, एनसीईआरटी बोलेगा बेटा दे आर द स्टार्ची सीथ, वो रिच होंगे बेटा स्टार्च से, इसलिए इस लेयर को, इस सीथ को कहेंगे बच्चा स्टार्ची सीथ। रूट का आएगा बच्चा तो बोलेंगे कि कैस्पेरिन स्ट्रिप था, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग कॉर्टेक्स को कंप्लीट करके कहां जाते हैं, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल दो तरह के, कुछ पेरिसाइकल बच्चा मल्टी लेयर्ड होगा, थिक होगा, स्क्लेरेनकाइमा का बना होगा,
कुछ बेटा देखो वापस से, फिर से देखो, फिर से देखो बच्चा लोग, फिर से देखो। कुछ आपने क्या बनाए, थिक बना दिए, मल्टीलेयर्ड बना दिया, स्क्लेरेन काइमा का बना दिया। इसी को मैंने कहा बच्चा लोग बंडल कैप। क्या कह दिया बच्चा? बंडल कैप। कंफ्यूज मत हो ना, बंडल सीथ एक वर्ड आएगा, ये बंडल कैप है। बोले ठीक है सर। और ये आपने बेटा व्हाइट वाला बनाया, व्हाइट वाला बना दिया पतला लेयर पेरिसाइकल का, जो बनाए बच्चा लोग पैरेन्काइमा से। जो किससे बनाए बच्चा? पैरेन्काइमा से। आई थिंक यहां तक क्लियर है सभी को। तो दे हैव द टू टाइप्स ऑफ द पेरिसाइकल, थिन एंड द थिक। अब जो थिक वाला पार्ट है, जो थिक वाला पार्ट है, इसी के ऊपर में पाया जाएगा वैस्कुलर बंडल। इसी के ऊपर में पाए जाएंगे बच्चा वैस्कुलर बंडल। इसी के ऊपर में पाया जाएगा वैस्कुलर बंडल, जो शेप वाइज ऐसा थोड़ा पिरामिडल दिखेगा बच्चा, इसे कहेंगे वेज शेप, WEDGE, वेज शेप, थोड़ा पिरामिडल टाइप का दिखेगा। बोले ठीक है सर। अब सोचो बच्चा लोग, ये डाइकॉट है, तो डाइकॉट कैसा होगा, ओपन या क्लोज? तो बोलेंगे सर मुझे तो याद है बस चार वर्ड, CCEO। ओ का मतलब बच्चा ओपन है। ओपन कहने का मतलब बच्चा है कि यहां पास क्या होगा, कैम्बियम होगा। यहां पास क्या होगा बच्चा? कैम्बियम होंगे, कैम्बियम है बच्चा, ओपन। ठीक है। फिर बेटा पिथ के तरफ क्या पाया जाएगा? बोलेंगे सर जाइलम पाया जाएगा। पिथ के तरफ क्या होगा सर? जाइलम, 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 जाइलम। और पिथ के दूसरे तरफ बच्चा, दूर के तरफ, वहां होगा बच्चा पी, यानी कि फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम बच्चा एक साथ एक रेडियस पे है, तो क्या नाम देंगे बच्चा? कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट कहेंगे। एक तरफ से कवर्ड है बेटा, तो कोलैटरल कहेंगे। क्लियर है? अब फर्दर किसी को कंफ्यूजन ना हो, तो मैं बच्चा लोग देखो वापस से एक ग्रीन कलर ले रहा हूं। ये बच्चा, ये जो पार्ट है, इसे एनसीईआरटी कहेगा बेटा पिथ। ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है बच्चा लोग? पिथ है। दे हैव द वेल डेवलप्ड पिथ। ध्यान से सुनो अभी। और यहां पर देखो बेटा रेड, यहां पर मैं कलर चेंज कर रहा हूं। ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है बच्चा, जो दो वैस्कुलर बंडल के बीच में है, इसको एनसीईआरटी कहेगा बेटा प्राइमरी मेडुलरी रे। इसका काम है बच्चा प्राइमरी मेडुलरी रे रेडियल कंडक्शन। फूड का बेटा इस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फूड का, वाटर का कंडक्शन करना। तो रेडियल डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट और वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है बच्चा। अब मुझे बताओ किसी को बेटा आउटर से इनर में कोई प्रॉब्लम, यानी एनसीईआरटी का बेटा फिगर नंबर वन सभी बच्चे को क्लियर है? नो वन कंफ्यूज्ड? ठीक है। तो मुझे बताओ बच्चा लोग, आउटर से इनर, बाहर से बेटा अंदर तक कौन कौन से लेयर पाए जाते बेटा? ईमानदारी से ना एनसीईआरटी देखना है, बस स्क्रीन को देखो और स्क्रीन को नेम करते चले जाओ। जैसे बच्चा आपको ये नेम करना है कि पहला क्या है, ठीक है, पहला लेयर कौन है, दूसरा लेयर कौन है, तीसरा लेयर कौन है, आपको बच्चा पिथ तक पहुंचना है। अब बेटा ईमानदारी से आगे बढ़ते जाओ, कोई नहीं गलती होगा तो फिर से सीखेंगे। ईमानदारी से बच्चा, ईमानदारी से सभी बच्चे आउटर से इनर नेमिंग करने की कोशिश करें। मेडुलरी रे दो वैस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाने वाला टिश्यू है, जिसका काम है रेडियल कंडक्शन। यानी कि देखो फूड इधर जा रहा है, अप डायरेक्शन में जा रहा है, डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जाने के लिए, ट्रांसफर डायरेक्शन में जाने के लिए मेडुलरी रे हेल्प करेगा। तो चलो स्टार्टिंग से मुझे बताओ ईमानदारी से, दिव्या पहला बच्चा इपिडर्मिस तुमने छोड़ दिया, तुम्हारी ये गलती है। आलिया ने लिखा है, ठीक है आलिया का, ठीक है। कंजक्टिव टिश्यू रूट में पाए जाते हैं, देखो सभी बच्चे के लिए क्लियर कर लो, कंजक्टिव टिश्यू रूट में पाए जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के बीच। ये स्टेम है, स्टेम में दो वैस्कुलर बंडल के बीच मेडुलरी रे पाया जाएगा, ठीक है। संस्कार ने भी लिखा इपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमेटस, ठीक है, कॉटेक्स, जनरल कॉटेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड द मेडुलरी रे। लेकिन मैं ऐसे लिखता बच्चा, मैं इसी को काट करके देख रहा हूं, यहां देखो मैं इसी को बच्चा यहां से कट करके देख रहा हूं, जो एनसीईआरटी ने बनाया बेटा सेकंड फिगर, यहां तक के पार्ट को मैं कट कर रहा हूं, व्हाइट वाले पार्ट को। और ध्यान से सुनना,
व्हाइट वाले पार्ट को मैं कट कर रहा हूं बच्चा, और ये तुम्हारा बन जाएगा फिगर नंबर टू, फिगर नंबर टू बन जाएंगे बच्चा। तो मैं सेकेंड पेज पे, सेकेंड पेज पे बच्चा फिगर बना रहा हूं और इसको कट करके बेटा और डिटेल में जा रहा हूं, तो देखो क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखो एक बार में याद हो जाएगा। सबसे पहले बच्चा लोग मिलेगा मुझे इपीडर्मिस, आई थिंक सभी बच्चों को याद है इपीडर्मिस मिलेगा। इपीडर्मिस में मुझे मिलेंगे बेटा हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे मैं कहूंगा बच्चा ट्राइकोम्स। एनसीईआरटी में देखो बेटा लिखा स्टेम हेयर, ट्राइकोम्स हो गया। नेक्स्ट बच्चा लोग आएगा हाइपोडर्मिस, नेक्स्ट बच्चा लोग आ गया हाइपोडर्मिस, ये लेयर बना दिया बेटा नीला वाला, दिस इज द हाइपोडर्मिस। एच फोर बेटा हाइपोडर्मिस, ई फोर बेटा इपीडर्मिस, ये बेटा टी फोर ट्राइकोम्स, क्लियर। इसके नीचे देखो बच्चा, इसके नीचे में मिलेगा जनरल कॉटेक्स, जो पैरेन्काइमा से बना होगा, जनरल कॉटेक्स बच्चा, जनरल कॉटेक्स जो बना होगा बच्चा लोग पैरेन्काइमा से, जनरल कॉटेक्स। एनसीईआरटी में जनरल कॉटेक्स नहीं लिखेगा बच्चा, केवल लिखेगा पैरेन्काइमेटस लेयर है, लिख देता हूं। अब आएगा बच्चा लोग इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस में स्टार्च पाए जाएंगे, इंडोडर्मिस में बेटा स्टार्च पाया जाएगा, वेवी नेचर का होगा, ये हो गया बेटा इंडोडर्मिस। अब इंडोडर्मिस के ऊपर बच्चा पाए जाएंगे आपके पेरिसाइकल थिक वाले, याद करो बेटा थिक वाला याद आ रहा है, थिक वाले पेरिसाइकल पाए गए बच्चा, और कहीं कहीं पर ये थिन वाला होगा, कहीं पर बच्चा थिन वाले होंगे। जो थिक वाला बेटा, जो थिक वाला क्या है पेरिसाइकल, उसी के ऊपर में पाया जाएगा बच्चा वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में पहले बच्चा लोग आ जाएगा, पहले बच्चा लोग आ जाएगा जाइलम, पहले क्या आ जाएंगे बेटा जाइलम, नहीं पहले गलत है बच्चा, पहले आएगा क्या बच्चा फ्लुइड। तो यहीं पर मैं हटा देता हूं, वापस से बना देते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये मैंने बनाया बच्चा लोग वैस्कुलर बंडल, और वैस्कुलर बंडल में आउटर साइड बनेगा बेटा फ्लुइड, और बीच में क्या बनेगा बेटा ओपन है तो यह बनेगा बेटा कैम्बियम। अब ध्यान से सुनो, अब क्या बनना है हमें जाइलम। तो जाइलम में पहले जो जाइलम आएगा बच्चा लोग वो आएगा मेटाजाइलम। एनसीईआरटी में देखो पहले आएगा बच्चा बड़े वाले मेटाजाइलम, और उसके नीचे में आएगा बच्चा लोग प्रोटोजाइलम, इसे एनसीईआरटी लिखेगा बेटा प्रोटोजाइलम, इसे लिखेगा बच्चा मेटाजाइलम, और बीच में क्या आ गया बच्चा कैम्बियम, और ऊपर में क्या है बच्चा लोग फ्लोएम। अब देखो एनसीईआरटी का जो सेकंड फिगर है उससे रिलेट कर सकते हो, और सबसे लास्ट में हो जाएगा बेटा पिथ, सबसे लास्ट में हो जाएगा बेटा पिथ। तो आई थिंक सभी बच्चों को अब याद हो गया, कोई बच्चा कंफ्यूज है इस स्ट्रक्चर में, कोई बच्चा अगर कंफ्यूज है तो बोल दो, हमने बेटा वही स्ट्रक्चर को कट करके बड़ा करके देखा, मुझे ये स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है, एनीवन किसी बच्चे को कोई डाउट्स, सेकंड फिगर में किसी बच्चे को कोई डाउट्स है? फर्स्ट फिगर को ही मैंने कट किया, कट करके मैंने डिटेल में देखा, मुझे ऐसा दिखा। आई थिंक अब कोई बच्चा कोई गड़बड़ नहीं करेगा, बोलो तो कम से कम। जो जनरल कॉर्टेक्स है वो पैरेन्काइमा का बना है, तो एनसीईआरटी जनरल कॉर्टेक्स नहीं लिखेगा, बोलेगा दे हैव द पैरेन्काइमेटस लेयर, दे हैव द पैरेन्काइमेटस लेयर, वो जनरल कॉर्टेक्स वर्ड यूज नहीं करेगा। मैंने बोला बच्चा उसे मैं जनरल कॉर्टेक्स कहूंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग कंपैरिजन करें, और बेटा एक मिनट में, ओनली द वन मिनट, एक मिनट में आपको मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में 10 डिफरेंसेस याद हो जाएंगे, ओनली द वन मिनट, बस एक मिनट का गेम, देखो क्या होगा। एक मिनट में आपके मोनोकॉट और डाइकॉट के सारे डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे, बस एक मिनट में हो गया। देखो कितना आसान है, मोनोकॉट का फिगर जानते हो, दुनिया का सबसे आसान फिगर, कैसे? सबसे पहले मोनोकॉट में बता बना दो इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, आपने बना दिया बेटा इपीडर्मिस, बना दिया इपीडर्मिस बन गए बच्चा, और यहां पर ट्राइकोम्स मत बनाना, यहां ट्राइकोम्स मत बनाना। तो पहला डिफरेंस क्लियर हो गया बेटा, मोनोकॉट में ट्राइकोम्स नहीं पाए जाएंगे, वो डाइकॉट में पाया जाएगा, बोले ठीक है सर। सेकंड टिश्यू सिस्टम कौन? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम।
तो यहां पर बच्चा सीखो, मैं एक लाइन में कंप्लीट कर रहा हूं, पूरा का पूरा बच्चा व्हाइट वाले पार्ट को देखना, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बच्चा, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट बच्चा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ना। यहां बनेगा बेटा एंडोडर्मिस, ना बनेगा जनरल कॉर्टेक्स, ना बनेगा पेरिसाइकल, ना बनेगा बेटा पिथ, ना बनेंगे मेडुलरी रे। द होल सिस्टम, द होल थिंग इज कॉल्ड द जनरल ए, द होल थिंग इज कॉल्ड द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। मोनोकॉट में बच्चा कोई ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बेटा ऐसे कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ में नहीं टूटता। पिथ नहीं होगा, पेरिसाइकल नहीं होंगे, कॉर्टेक्स नहीं होगा, मेडुलरी रे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा बच्चा, नथिंग। द होल व्हाइट थिंग इज कॉल्ड द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बस बच्चा, बस लास्ट लाइन, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बस बच्चा बनाएगा एक हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को छोड़ करके बच्चा यहां कोई भी पेरिसाइकल, इंडोडर्मिस कुछ नहीं बनेंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम केवल बच्चा बनाएगा हाइपोडर्मिस, इसके अलावा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ही पूरा लेयर को कवर करेगा। ये पूरा व्हाइट वाला बच्चा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ये बेटा नीला वाला जो हाइपोडर्मिस है और येलो वाला बेटा एपिडर्मिस है, खत्म। मोनोकॉट इज कंप्लीट। तो डिफरेंस क्या हो बच्चा, मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस हुआ? आसान है, डाइकॉट में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज वेल डिफरेंशिएटेड और मोनोकॉट में अनडिफरेंशिएटेड, नो पेरिसाइकल, नो इंडोडर्मिस, नो मेडुलरी रे, नो पिथ, नथिंग, जीरो, कुछ नहीं है बच्चा, बस यहां पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, याद हो गए? तो एनसीईआरटी में बच्चे लोग आप फिगर देख सकते हो थर्ड नंबर, कोई बच्चा देखो बच्चा वहां क्या कोई ट्राइकोम्स बना है, क्या वहां कोई पेरिसाइकल है, क्या वहां पर कोई इंडोडर्मिस है, कुछ भी है बच्चा, कोई भी बच्चा बताओ, एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस। ग्राउंड टिश्यू केवल हाइपोडर्मिस नाम का एक लेयर बनाएगा और उसके अलावा कोई भी लेयर का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो मेरे में से सभी बच्चे को, या मैंने बेटा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम अभी नहीं बोला, मैंने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोला है, अभी वैस्कुलर सिस्टम तो आएगा, अब आएगा ना, मैंने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात की, अभी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम तो आएगा, उसका वेट करो, ठीक है? आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है? अब देखो वापस से, मैं एक बार समझा दे रहा हूं, वापस से देखो, मैंने बनाया बेटा डाइकॉट का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ए मोनोकॉट का बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये बन गया बेटा एपिडर्मिस, ये येलो वाला क्या बच्चा एपिडर्मिस। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो ब्लैक वाला तुम्हें स्क्रीन दिख रहा है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज अनडिफरेंशिएटेड एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस, और ये हाइपोडर्मिस बच्चा बना होगा स्क्लेरेन काइमा से, ये याद करो मैंने बताया भी था, ट्राइकोम्स नहीं होंगे, पहला डिफरेंस, हाइपोडर्मिस बेटा स्क्लेरेन काइमा का बना होगा, डाइकॉट में कॉलिन काइमा का, ठीक। तीसरा बच्चा, ये जो पूरा ब्लैक कलर का स्क्रीन दिख रहा है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, जो पेरिसाइकल, इंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, मेडुलरी रे, पिथ में अनडिफरेंशिएटेड, और इनके अंदर बच्चा लोग, इनके अंदर इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बच्चा पाया जाएगा, जो बेटा स्कैटर्ड होगा, बिखरा पड़ा होगा, वो बच्चा बिखरा पड़ा होगा, जिधर बनाना है बेटा वैसे बना दो, जिधर बनाना है बच्चा, जिधर बनाना है बना दो बच्चा, जिधर बनाना है आपको मर्जी, जिधर बनाना है बच्चों लोग आप बना सकते हो। ये बच्चा आपका बन गया वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये बिखरे पड़े होंगे बच्चा, बिखरे पड़े होंगे और नंबर वाइज ज्यादा होगा। बस एक पैटर्न याद रखना, जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बेटा जो आपके सेंटर रीजन पे पाए जाएंगे वो बड़े होंगे, वो बेटा साइज में बड़े होंगे, और जो बाहर पेरिफेरी पे होगा बेटा वो साइज में छोटे होंगे। तो ग्राउंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज स्कैटर्ड। तो मेरे में से एनसीईआरटी में देख सकते हो बच्चा फिगर नंबर थर्ड, वहां पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ढेर सारे बच्चा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बिखरा पड़ा है। आई थिंक सभी बच्चे को क्लियर है, वहां लिखा है बेटा ग्राउंड टिश्यू, उसमें लिखा है वैस्कुलर बंडल,
और हाइपोडर्मिस और इपिडर्मिस हो गया, बस यही है और इसके अलावा बच्चा कुछ नहीं है। लेकिन अब मैं डिफरेंस पे बात कर रहा हूं। अब बच्चे लोग किस पे बात कर रहे हैं? डिफरेंस पे। पहला डिफरेंस बच्चा, जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, यहां पर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है बच्चा, वो ना एक येलो वाले से कवर्ड होगा, इसे कहते हैं बेटा बंडल सीथ। मैं बाहर निकाल के बना रहा हूं, यहां देखो मोनोकॉट में बेटा ये आपने बना दिया वैस्कुलर बंडल, एक तरफ होगा बच्चे लोग आपका जाइलम, एक तरफ होगा बच्चे लोग फ्लोएम, ये तो होगा ही होगा। लेकिन वहां पर एक लेयर के फॉर्म में बच्चे लोग पाया जाएगा बंडल सीथ। ये बंडल सीथ बेटा मोनो डाइकॉट में बच्चा लोग क्या होगा? एब्सेंट। तो ये जो बंडल सीथ है वो केवल फीचर है बच्चा मोनोकॉट का, और ये बना होगा बच्चा स्क्लेरेन्काइमा से। किसे बना होगा? स्क्लेरेन्काइमा। तो यहां जो भी वैस्कुलर बंडल है उसे आप कवर कर दो, उसे बच्चा लोग आप कवर कर दो बंडल सीथ से। और मोनो और डाइकॉट में क्या होगा बच्चा? डाइकॉट में ये बंडल सीथ एब्सेंट होंगे। तो एनीवन, सभी बच्चे को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है बोल सकता है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बोल सकता है बच्चा। क्लियर है यहां तक? कोई बच्चा नहीं, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है। सेकंड चीज ध्यान से देखो। सेकंड चीज, वापस से मैंने एक वैस्कुलर बंडल को निकाला बच्चा, वैस्कुलर बंडल को मैंने निकाला, देखो रेड वाला वैस्कुलर बंडल है, बाहर की तरफ बच्चा, बाहर की तरफ फ्लोएम है, बाहर की तरफ क्या है बच्चा? फ्लोएम। और नीचे की तरफ बेटा जाइलम है। जाइलम कैसा है? एक्सार्क या एंडार्क? तो बोले सर स्टेम में तो एंडार्क होता है। तो यहां पर देखो मैंने बनाया बच्चा, ये मैंने बनाया छोटा वाला व्हाइट वाला बेटा, ये प्रोटोजाइलम। ये क्या बेटा? प्रोटोजाइलम। और यहां पास है बच्चा लोग मेटाजाइलम, यहां पास क्या है बच्चा? मेटाजाइलम। तो दो ऊपर में क्या है बेटा? मेटाजाइलम, और नीचे में क्या है बेटा? प्रोटोजाइलम। तो यहां पर जो जाइलम होगा ना वो वी शेप्ड का दिखेगा, वी शेप्ड का दिखेगा, थोड़ा जोकर की तरह दिखेगा। कैसे बच्चा? दो बड़ी आंखें वाला बेटा मेटाजाइलम और एक छोटी आंख वाला बच्चा प्रोटोजाइलम। तो ये वी शेप्ड का नहीं हो जाएगा, वी शेप्ड का नहीं हो जाएगा जाइलम। इसलिए बच्चा लोग फिगर नंबर 4, अगर एनसीईआरटी में फिगर नंबर 4 देखोगे तो वहां पर वैस्कुलर बंडल में दो बच्चा आईज लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, वो बच्चा मेटाजाइलम। और उसके नीचे में थोड़ा सा शायद यहां पर फिगर में क्लियर नहीं है, वो बच्चा प्रोटोजाइलम है। तो वी शेप्ड का मिलेगा कौन? जाइलम। लास्ट वन एक मैं डिफरेंस बता रहा हूं बच्चा, और दे आर कवर्ड बाय द बंडल सीथ, दे आर कवर्ड बाय द बंडल सीथ। तो मुझे बताओ, अब मुझे बेटा 5 डिफरेंस बताओ तो, डाइकॉट में एंड मोनोकॉट में। तो बच्चा चलो फटाफट स्टार्ट करो, ये बताओ पहला क्वेश्चन, ट्राइकोम्स कहां पाए जाएंगे मोनोकॉट और डाइकॉट? चलो फटाफट पहला क्वेश्चन करो, कहां पाया जाएगा? ट्राइकोम्स इज प्रेजेंट इन द डाइकॉट और मोनोकॉट। आंसर बच्चा लोग सभी को क्लियर है, डाइकॉट। सेकेंड, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज वेल डिफरेंशिएटेड इन द, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज वेल डिफरेंशिएटेड इन द, अस्पा मैंने कब बोला ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वेल डिफरेंशिएटेड इन द मोनोकॉट? मैंने बोला था डाइकॉट। ग्राउंड टिश्यू इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड एक्सेप्ट हाइपोडर्मिस इन, आंसर बेटा मोनोकॉट। डाइकॉट में हाइपोडर्मिस किस टिश्यू से बना होगा? हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ इन द डाइकॉट स्टेम कॉलेनकाइमा एंड इन द मोनोकॉट, इन द मोनोकॉट, इन द मोनोकॉट स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, वेयर द पेरिसाइकल पिथ एंडोडर्मिस इज एब्सेंट, मेडुलरी रे एब्सेंट, वेयर वेयर द पिथ इज एब्सेंट, एंडोडर्मिस इज एब्सेंट, पेरिसाइकल इज एब्सेंट, जनरल कॉर्टेक्स इज एब्सेंट, मेडुलरी रे इज एब्सेंट, आंसर बेटा मोनोकॉट। ठीक, मोनोकॉट में ध्यान से देखो बच्चा, मोनोकॉट में और डाइकॉट में वैस्कुलर बंडल में क्या डिफरेंस? ध्यान से देखो एक बार में बच्चा, पिक करो ना, अब तो याद होगी, अब लगभग लगभग चीजें याद हो गई। यहां देखो ये बच्चा हमने डाइकॉट का बनाया,
ये बच्चा मैंने मोनोकॉट का बनाया, यहां देखो बच्चा एक बार में सीखो, सीखो डाइकॉट में बच्चा जो वैस्कुलर बंडल होगा दे आर वेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, देखो बच्चा ऐसे ही बनाया ना एनसीईआरटी ने, दे आर वेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, मुझे तो बेटा रिंग के भांति दिख रहा है, एक रिंग में दिख रहे बच्चा, लेकिन बच्चे लोग मोनोकॉट में दे आर द स्कैटर्ड, दे आर द स्कैटर्ड, दे आर द स्कैटर्ड, स्कैटर्ड बच्चा, स्कैटर्ड स्कैटर्ड बच्चा, मुझे बताओ बच्चा लोग कहां पर वैस्कुलर बंडल अनइक्वल साइज के हैं, कहां पर वैस्कुलर बंडल अनइक्वल साइज के हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम, सेंटर में बेटा बड़ा और पेरिफेरी में छोटा, और कहां पर इक्वल साइज के हैं, कहां पर इक्वल साइज के, ऑल वैस्कुलर बंडल आर इक्वल इन साइज, ठीक। नेक्स्ट, कहां पर वैस्कुलर बंडल का नंबर ज्यादा लग रहा है, एनसीईआरटी का फिगर देखो फर्स्ट एंड थर्ड, और मुझे बताओ बेटा वैस्कुलर बंडल का नंबर कहां ज्यादा है, मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है। अब बताओ कहां पर बच्चा लोग बंडल कैप ए, कहां पर बच्चा लोग बंडल सीथ पाया जाएगा, कहां पर बेटा बंडल सीथ पाया जाएगा, मोनोकॉट और डाइकॉट, और बंडल सीथ किस टिश्यू से बना है, बंडल सीथ जो है स्क्लेरिन काइमेटस है, कॉलिन काइमेटस है, कैसा है बच्चा, आंसर बेटा स्क्लेरिन काइमेटस। अच्छा ये कोई बच्चा बताएगा बंडल कैप कहां पाया जाएगा, बंडल सीथ नहीं बेटा बंडल कैप, बंडल कैप कहां पाया जाएगा, मोनोकॉट और डाइकॉट, ये बच्चा मैंने बना दिया, यहां पर पाया गया था ना, याद करो बच्चा लोग, यहां पर थे ना पेरिसाइकल वाला बंडल कैप। चलो अब नेक्स्ट बच्चा लो, देखो ध्यान से सुनो बच्चा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, डाइकॉट में नाम होगा बेटा सीसी सीसीईओ, और यहां होगा बेटा सीसीईसी। कैम्बियम कहां पाया जाएगा बच्चा, कोई बताएगा, कैम्बियम मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम, ठीक है, कौन बेटा ओपन होगा कौन क्लोज होगा, विच डाइकॉट ए विच स्टेम इज ओपन विच इज क्लोज, डाइकॉट इज ओपन, तो मुझे बताओ बेटा सेकेंडरी ग्रोथ कौन करेगा, मुझे बताइए बच्चा सेकेंडरी ग्रोथ कौन करेगा, विल परफॉर्म द सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम, तो देखो कैसे याद हो गया तुरंत भर में। एंड एनसीईआरटी का एक लास्ट लाइन है बच्चा, थोड़ा सा ध्यान से सीखना, एनसीईआरटी का लास्ट लाइन है, मैं वापस से बता रहा हूं, ये पहले मैंने बताया था फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बेटा व्हाइट वाला आपका वैस्कुलर बंडल है जाइलम एंड फ्लोएम में, ध्यान से सुनना इसको, अपर पार्ट में बच्चा, अपर पार्ट में आपने ये बना दिया बेटा फ्लोएम, ये रेड वाला, ये ग्रीन वाला बेटा ये बना दिया अपने फ्लोएम, और यहां पास है बच्चा लोग मेटाजाइलम, और यहां पास है बच्चा प्रोटोजाइलम, कहां पास बच्चा जो जाइलम है ना वी शेप्ड का बनाएगा, जोकर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा वी शेप्ड जाइलम, तो बोलेंगे सर देखिए ना वी शेप्ड जाइलम आपने मोनोकॉट में बनाया, और रुको बच्चा रुको, एनसीईआरटी का एक वर्ड है प्रोटोजाइलम, दिख रहा है बच्चा पीएक्स दिख रहा है प्रोटोजाइलम, यहां सर प्रोटोजाइलम के नीचे बेटा एक कैविटी पाया जाएगा, कैविटी मतलब खाली जगह, एक बेटा कैविटी पाया जाएगा, इस कैविटी का काम होगा बेटा वाटर का स्टोरेज करना, इसे एनसीईआरटी कहेगा बेटा वाटर कैविटी, इसे क्या कहेगा बच्चा वाटर कैविटी, ये बच्चा केवल मोनोकॉट में पाए जाएंगे, डाइकॉट में बेटा वाटर कैविटी नाम का स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा, तो मुझे देखो एनसीईआरटी अगर है बच्चा आपके पास तो आप निकालो बच्चा 93 पेज नंबर, और वहां का मोनोकॉटिलेडोनस स्टेम नाम का टॉपिक है, उसका सबसे लास्ट लाइन क्या लिखा है पढ़ो तो थोड़ा, मोनोकॉटिलेडोनस स्टेम यानी मोनोकॉट स्टेम का सबसे लास्ट लाइन क्या है बच्चा पढ़ो तो थोड़ा, और मुझे बताओ तो क्या लिखा है, क्या लिखा बेटा वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल, वो बच्चा मोनोकॉट में, वो बच्चा कहां है मोनोकॉट में, डाइकॉट में वाटर कैविटी क्या होगा बच्चा एब्सेंट, क्लियर है, तो मेरे से याद हो गया बच्चा, सभी को लगभग लगभग याद हो चुके हैं, वाटर कैविटी कंटेनिंग कैविटी, वाटर कैविटी कहां बस पाया जाएगा, प्रोटोजाइलम के नीचे या मेटाजाइलम के नीचे, प्रोटोजाइलम के नीचे या मेटाजाइलम के नीचे,
प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, फिगर तुम देख सकते हो बच्चा, जोकर वाला वी शेप्ड का बनाया मैंने, प्रोटोजाइलम के नीचे बच्चा, प्रोटोजाइलम के नीचे। चलो यहां तक तुम्हारे कितने सारे डिफरेंसेस याद हो गए। अब देखो, अगर बच्चा तुमने थोड़ा सा फ्लोएम के बारे में लाइफ में कभी पढ़ा होगा, तो फ्लोएम के चार पार्ट्स होते, फ्लोएम के चार पार्ट्स होते, हाँ सर सबको आता है, सीव, ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। याद रखना बच्चा, फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट में एबसेंट होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा बच्चा मोनोकॉट में एबसेंट होता है। ये एनसीईआरटी में बेटा दो जगह लिखा है, वाटर कंटेनिंग कैविटी अभी पढ़ा ना एनसीईआरटी में पेज नंबर 93 पे, उससे बेटा उसी से थोड़ा सा पहले जाओ, वहां पर लिखा है एनसीईआरटी में कि मोनोकॉट के अंदर में फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होगा बच्चा, एबसेंट। देखो बच्चा दिखा किसी को, मुझे तो दिख गया, पेज नंबर 93 वाटर कैविटी के जस्ट पहले वहां लिखा है बच्चा मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होगा बच्चा, एबसेंट होंगे। याद रखना केवल स्टेम के लिए वो वैलिड नहीं है, सभी जगह। अब निकाल लो बच्चा पेज नंबर 88, जिस बच्चे को दिखा किसे किसे दिख गया, मैंने बोला फ्लोएम के चार पार्ट होते हैं, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा नाम का चीज मोनोकॉट में एबसेंट होता है, ये एनसीईआरटी में दो जगह लिखे गए। पेज नंबर निकालो बेटा 88, एनसीईआरटी का पेज नंबर 88 निकालेगा कोई और ढूंढ करके बताएगा कि फ्लोएम पैरेन्काइमा एबसेंट होते हैं मोनोकॉट में। याद रखना बेटा मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते। पेज नंबर 88 पे सबसे पहले देखते कौन ढूंढता है, देखते सबसे पहले कौन सा बच्चा ढूंढता है। किसे किसे मिल गया, किसे किसे मिला, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द मोनोकॉट। ठीक है बच्चा, क्लियर है। अब देखो मेरे में से तुम्हारे पास क्या 10 डिफरेंस नहीं है, अब तुम्हारे पास क्या मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में 10 डिफरेंस नहीं हुए, बोले 10 नहीं सर, अब 15 लिख देंगे एग्जाम में, 15 लिख देंगे सर। चलो अब मैं डिफरेंस को बच्चा फटाफट, डिफरेंस को बच्चा मैं दो मिनट में सभी डिफरेंस पे आ रहा हूं, मैं दो मिनट में बेटा सभी डिफरेंस तुम्हें करा दे रहा हूं और तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यही तो बोला था, पूरा ट्रिक है, पूरा चैप्टर बेटा ट्रिकी है। अब देखो कितना आसान लग रहा है चैप्टर। चलो अब देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से, मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस पे आ रहे बेटा, मोन ये लिख दिया डाइकॉट और ये लिखा बेटा मोनोकॉट। और सब कोई बच्चा थोड़ा लॉजिकल सोचेगा, सब कोई लॉजिकल सोचना। सबसे पहले बेटा डाइकॉट में मैंने बना दिया बेटा इपिडर्मिस, मोनोकॉट में बना दिया इपिडर्मिस। ठीक बच्चा, पहला डिफरेंस बेटा यहां ट्राइकोम्स पाए जाएंगे, यहां ट्राइकोम्स बेटा एब्सेंट, पहला डिफरेंस सभी बच्चों को क्लियर, ट्राइकोम्स एब्सेंट, बोले हाँ सर क्लियर। सेकेंड बच्चा यंग स्टेम, बच्चा यंग स्टेम स्टोमेटा रखता है, यंग स्टेम में बेटा स्टोमेटा होगा, यंग स्टेम में बच्चा स्टोमेटा होगा। और स्टोमेटा में बच्चा लोग जो गार्ड सेल होते हैं, याद है बेटा गार्ड सेल सब्सिडियरी सेल, वो डाइकॉट में होगा बेटा किडनी सेप का, और मोनोकॉट में भी होगा बेटा, मोनोकॉट के स्टेम में भी इपिडर्मिस में होगा बच्चा क्या स्टोमेटा, और जो गार्ड सेल होगा बच्चा वो होगा डंबल सेल। गार्ड सेल कैसा होगा बच्चा, जैसे लीफ में होता है वैसे ही होगा बच्चा यहां डंबल सेप, और यहां क्या होगा बेटा किडनी सेप। दूसरा डिफरेंस किसे किसे याद हो गया, बोले सर याद हो गए, मैंने बोला था बच्चा यंग स्टेम में स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा होगा तो पोर इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, तो गार्ड सेल कैसा बेटा डाइकॉट है तो किडनी सेप, और मोनोकॉट है तो बेटा डंबल सेप। बोले ठीक है सर। तीसरा बच्चा मोनोकॉट में, मोनोकॉट में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है बेटा अनडिफरेंशिएटेड एक्सेप्ट द हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के अलावा बच्चा यहां कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बच्चा, कुछ नहीं होगा, अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, लेकिन बच्चा लोग डाइकॉट में दे आर द वेल डिफरेंशिएटेड इनटू द, पहला क्या बेटा हाइपोडर्मिस, उसके बाद बच्चा लोग जनरल कॉर्टेक्स,
उसके बाद बच्चा लोग वेवी नेचर वाला इंडोडर्मिस वेल डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्टेक्स, ग्राउंड टिश्यू वेल डिफरेंशिएटेड है। उसके बाद बच्चा लोग यहाँ पर पेरिसाइकल थिक और थिन वाले, पेरिसाइकल थिक और थिन वाले, बोले हाँ सर याद है, इसी को कहा बेटा बंडल कैप, यहां बंडल कैप बेटा मोनोकॉट में एब्सेंट। अब देखो बच्चा लोग इसके ऊपर में बना देंगे वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल, दे आर वेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। मोनोकॉट में दे आर द स्कैटर्ड, दे आर द स्कैटर्ड। डाइकॉट में सारे के सारे इक्वल इन साइज। डाइकॉट में बेटा ठीक है, डाइकॉट में मैंने क्या बोला, बंडल कैप होगा, मोनोकॉट में नहीं होगा। डाइकॉट में सभी इक्वल साइज, मोनोकॉट अनइक्वल साइज, ठीक है। अब बताओ बच्चा बाकी तो तुम्हें आता है, मेडुलरी रे कहां पाया जाएगा? बोलेंगे सर मेडुलरी रे पाया जाएगा डाइकॉट में, मोनोकॉट में तो कुछ नहीं पाया जा सकता सर, पहले ही आपने बता दिया, न पित, न मेडुलरी रे, न एंडोडर्मिस, न पेरिसाइकल, कुछ नहीं पाए जाते। क्लियर है बच्चा? अब मुझे बताओ सभी बच्चों को कितने डिफरेंस याद हो गए? अब बदलो तो, वाटर कंटेनिंग कैविटी कहां पाया जाएगा? वाटर कंटेनिंग कैविटी कहां पाया जाएगा, मोनोकॉट और डाइकॉट? मोनोकॉट, ठीक है। चलो ये बताओ बंडल सीत कहां पाया जाएगा, मोनोकॉट और डाइकॉट? बंडल सीत कहां पाया जाएगा, मोनोकॉट और डाइकॉट? इक्वल साइज किसमें होंगे? ये तो आसान है, डाइकॉट में सारे के सारे, सारे के सारे। बच्चा लोग देखो ना एनसीईआरटी, मुझे तो सारे इक्वल साइज के दिख रहे, डाइकॉट में सारे बच्चा मुझे तो इक्वल साइज के दिख रहे, देख लो सारे इक्वल साइज के, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चा लोग फ्लोएम पैरेन्काइमा कहां प्रेजेंट, कहां एब्सेंट? फ्लोएम पैरेन्काइमा कहां प्रेजेंट होगा, कहां एब्सेंट होंगे? क्लियर बच्चा यहां तक? चलो अब क्लियर है। अब मुझे बेटा दो तीन एक्स्ट्रा पॉइंट बताना जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो एनसीईआरटी में नहीं है बच्चा वो जल्दी जल्दी सीखे, एकदम एक मिनट में याद हो जाएगा। किसी बच्चे को याद है स्टील किसे कहते हैं? स्टील, बोले हाँ सर इंडोडर्मिस के अंदर जो होता है उसे स्टील कहते हैं। इधर देखो बेटा स्टील यहां बना रहा हूं और यहां बच्चा स्टील बना रहा हूं, ध्यान से सुनो, यहां के स्टील में बच्चा जो होगा, जो बेटा वैस्कुलर बंडल होंगे, वैस्कुलर बंडल होंगे, दे आर वेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, वेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। और मोनोकॉट में दे आर द स्कैटर्ड, दे आर द स्कैटर्ड, दे आर द स्कैटर्ड, दे आर द स्कैटर्ड। ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को। तो डाइकॉट में बेटा दे आर द वेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, इसी को कहते हैं बच्चा यू स्टील, इसे एक वर्ड कहेंगे बच्चा लोग यू स्टील। और मोनोकॉट में दे आर द स्कैटर्ड, इसे कहेंगे बेटा ए टैक्टो स्टील। ए टैक्टो स्टील, तो मेरे में से सभी बच्चे को याद हो गए यू स्टील, और ए को कहेंगे क्या बच्चा ए टैक्टो स्टील। तो आई थिंक आपको सारे डिफरेंस मोनोकॉट के और डाइकॉट के याद हो चुके हैं, ठीक है। तो महिमा अब तुम्हें, अगर अब याद नहीं हुआ बच्चा लोग तुम्हें, तो बच्चा मुश्किल है। अब तुम्हें अगर स्टेम का फिगर याद नहीं हुआ तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है बच्चा, आगे तुम्हें सेकेंडरी ग्रोथ समझ में नहीं आएगा ना? तो अगर तुम्हें ये नहीं आएगा तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे सीख पाओगे? तो आपको करना पड़ेगा हर हालत में, ठीक है। तो मुझे बताओ, मही से पूछता हूं मैं कि मुझे बताओ बेटा आउटर टू इनर जो जितने लेयर हैं उन सारे लेयर का नाम बताइए। आउटर टू इनर जितने लेयर हैं उन सारे लेयर का नाम बताइए डाइकोट स्टेम में, जैसे मैंने बताया था। चलो एनी वन, सभी को ही करेंगे, सभी का आंसर मैं देख लेता हूं। सभी को बच्चा ऑटर से ट्राइकोम से पित तक के सारे स्ट्रक्चर को बताना है, एक एक नहीं, आपको पूरा लिख करके बताना है। मैं पता कैसे चलेगा मुझे? ऑटर टू इनर सारे स्ट्रक्चर को आपको बताना है बेटा, पित तक के स्ट्रक्चर को बताना है। थोड़ी देर पहले मैंने खुद से बताया भी था।
इतना टाइम लगेगा इतना। ठीक है, पहला ट्राइकोम्स करेक्ट है बच्चा, इपिडर्मिस करेक्ट है, हाइपोडर्मिस करेक्ट है, जनरल कॉर्टेक्स करेक्ट है, इंडोडर्मिस करेक्ट है, पेरिसाइकल करेक्ट है, मेडुलरी रे एंड वेयर द वैस्कुलर बंडल। और पहले कौन आएगा बेटा, प्रोटोजाइलम या मेटाजाइलम? पहले कौन आएगा, प्रोटो या मेटा? पहले कौन सा आएगा, बाहर से अंदर कट करोगे तो पहले प्रोटोजाइलम आएगा या मेटाजाइलम आएगा? मेटा आएगा। तो इसे क्या कहोगे, एग्जार्क या इंडार्क? इसे क्या कहोगे बच्चा, एग्जार्क और इंडार्क। इसे हम लोग कहेंगे इंडार्क, रूट में एग्जार्क था, रूट में एग्जार्क था। हाँ, दिव्या ने लिखा है ट्राइकोम्स करेक्ट है बच्चा, इपिडर्मिस करेक्ट है, हाइपोडर्मिस करेक्ट है, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, हाँ, यूनि एंड मल्टीलेयर पेरिसाइकल करेक्ट है बच्चा, बंडल कैप बनाएगा मोटा वाला, वैस्कुलर बंडल में ठीक है, वैस्कुलर बंडल में पहले आएगा फ्लोएम, फिर आएगा बेटा कैम्बियम, फिर बेटा मेटाजाइलम, फिर आएगा बेटा प्रोटोजाइलम, देन द पिथ। पिथ करेक्ट है, तो याद तो हो गए। अब क्या डिफिकल्ट लग रहा है स्टेम, अब क्या तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है स्टेम का पार्ट? स्टेम सबको बोलते हैं इतना डिफिकल्ट है स्टेम, डिफिकल्ट है स्टेम, डिफिकल्ट नहीं है बच्चा। और तुम्हें कितने डिफरेंस याद हो गए, मोनोकॉट और डाइकॉट में कम से कम तुम 12 डिफरेंस याद करके आज जा रहे हो। ठीक है, तो मेरे से सभी चीज क्लियर है, अब 100% क्लियर है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्राइकोम्स, वन वन लाइनर। वन लाइनर, व्हाट इज द ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स का फंक्शन क्या है? दीदी मैंने कब बताया वाटर को एब्जॉर्ब एंड मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए, मैंने कभी बोला क्या? वो रूट हेयर करता था, तुम स्टेम हेयर की बात कर रहे हो, सिक्रीशन एंड प्रिवेंट वाटर लॉस। हाँ, वाटर लॉस के प्रिवेंशन को करेगा, ट्रांसपिरेशन को रोकेगा। ठीक है, और कहां पर हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटस बने बताओ तो, कहां पर हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटस बने? डाइकॉट, देखो कितना जल्दी जल्दी याद हो रहा है। कहां फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है, कहां फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है? मोनोकॉट। कहां पर बंडल सीथ पाए जाएंगे, कहां पर बंडल सीथ पाए जाएंगे? मोनोकॉट। ठीक है, और कहां पर बंडल कैप पाया जाएगा,